नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जमीनी जर ताबा हो हा डिस्कशन सगळ्या वसई विरारकरांच्या समोर झाला पाहिजे आणि त्याच्या अगोदर तुम्हाला संविधानावर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागेल की तुम्ही जे काय बोलणार ते खरं बोलणार आणि पुराव्यासकट जे काय मुद्दे आहेत व्हिडिओ शूटिंग चालू राहील का? काही मुद्दे हे कोर्ट मॅटर आहेत, काही मुद्दे लोकायुक्तांकडे आहेत। कोर्ट मॅटर आहे नाही आहे ते ठरवण्याचा आपल्याला अधिकार नाही आहे। मुद्दे फार जुने आहेत, तुम्ही जुने केलेले आहेत। त्यावेळेच्या अधिकाऱ्यांना जर कारवाई केली असती कॅमेऱ्याच्या समोर होईल सगळं। मनसे के वसई शहर अध्यक्ष स्वप्निल डिकुना एक बार फिर हुए आक्रामक। वसई विरार मनपा द्वारा अवैध बांधकाम पर कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आज वसई मनसे शहर अध्यक्ष स्वप्निल डिकुना ने एक बार फिर आक्रामक रूप अपनाते हुए वसई सागर क्षेत्र के अपने कार्यालय से वसई विरार मनपा प्रभाग समिति आयुक्त कार्यालय तक दूसरे और पदाधिकारियों के साथ एक मोर्चे के रूप में जाकर मनपा कार्यालय में ही उपोषण पर बैठ गए। कुछ घंटे तक चले उपोषण के दौरान वसई पुलिस थाने के अधिकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी मनपा कार्यालय पहुंचे और स्वप्निल एवं मनपा प्रभाग समिति सहायक आयुक्त से बात कर मामले का सटीक हल निकालने की बात कही। बाद में मनपा सहायक आयुक्त ने स्वप्निल को 7 दिन के अंदर समुचित कार्यवाही किए जाने का लिखित आश्वासन दिया। तब स्वप्निल वहां से गए एवं मामला शांत हुआ। फिलहाल यह मामला भले ही टल गया लेकिन 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होने की सूरत में फिर ऐसी घटना होने का अंदेशा जरूर दिखाई पड़ता है। स्वप्निल के मनपा कार्यालय में जाने से पहले हमको दिए गए बयान में स्वप्निल ने क्या कुछ कहा वह सुनिए आप आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव। स्वप्निल सर क्या कहेंगे, क्या विषय है, मोर्चा लेके आने का क्या कारण है? सर देखिए, वसई विरार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इधर के जो कर्मचारी है, जो पदाधिकारी है, जो ऑफिसर्स इधर महानगर पालिका में बिठाए गए, उनको मंत्रालय से, नगर विकास से, मुख्यमंत्री के जो सचिव है उनके पास से कार्रवाई करने का लेटर आने के बावजूद सरकारी जमीन जो है उसके ऊपर जो कब्जा हो रहा है इनका ध्यान नहीं है। इन्होंने पैसे खाए, आवड़ेकर और नितिन वनमाई ये दोनों ने पैसे खाए। इनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए मैं आज इधर जो मेरी मांगनी है वो लेके आया हूँ, साथ में भारतीय संविधान लेके आया हूँ, क्योंकि जो भी डिस्कशन होएगा वो सब पत्रकार लोगों के बीच में होएगा और उस पर जो है इधर के सहायक आयुक्त उनको ये भारतीय संविधान के ऊपर हाथ दे के कसम खानी पड़ेगी कि जो कुछ वो बोलेंगे वो सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। आपने आरोप लगाया पैसे खाने का, आरोप अपनी जगह है लेकिन आरोप को सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? और सारे पेपर वर्क लेके आए उधर है, इसमें सारे पेपर वर्क है, सब पत्र व्यवहार है, सबके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर आया है, महानगर पालिका के आयुक्त से भी आया है, उपायुक्त से भी आया है, अतिरिक्त आयुक्त से भी आया है, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या होता है? सरकारी जमीन जो महानगर पालिके की है, अगर महानगर पालिके का जमीन है वो सरकारी है, उसके ऊपर सामान्य लोगों का भी अधिकार है, और अगर यहाँ के स्थानिक लोगों की जो जमीने है सरकारी उनको अगर लूटा जा रहा है और इनका ध्यान नहीं है तो कल परसों वसई विरार में रोड नहीं रहेंगे, गटर बनने के लिए रास्ते नहीं रहेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे, तो ये सब अगर नहीं रहेगा तो ये आवड़ेकर और नितिन मनमाली के जैसे चोर इधर बैठ के अपना हुकूमत चलाएंगे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके ऊपर बिल्कुल आवाज उठाएगी। कहाँ कहाँ पे कितनी जमीन है और क्या उसका डिस्क्रिप्शन? महानगर पालिके का रोड है जो 2011 में महानगर पालिके ने खुद लिख के दिया है वसई पुलिस स्टेशन को कि ये रोड हमारा है, उधर अतिक्रमण हो रहा है, और वो लेटर देने के बाद उधर अतिक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था उसके ऊपर FIR करवाई गई, उसके ऊपर FIR नहीं करवाई गई, जिसने अतिक्रमण किया उसका गेट तोड़ा गया, ये सब लेखी में है, फिर भी महानगर पालिका आज की तारीख में वो जो महानगर पालिका की जमीन है वो अपने ताबे में नहीं ले पा रही है और इधर के भूमाफिया वो सरकारी जमीनों को लूटने के पीछे लगे हुए हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि अगर भू माफिया जो यहाँ के वसई विरार के सरकारी जमीनों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, अगर ये सहायक आयुक्त, ये अतिक्रमण विभाग प्रमुख उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है
तो सरकार से विनंती है आप इनके ऊपर शिस्त भंग का गुना दाखिल करें। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आपके आगे की? अरे सर, इनके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी पीछे नहीं हटी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज आंदोलन है, कल आमरण उपोषण होगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।